नमस्कार, मैं तनु शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 75,760 नए केस। देश में कोरोना वायरस ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 75,760 नए पॉजिटिव केस के साथ कुल मामलों की संख्या 33,10,235 हो गई है। एक दिन में पॉजिटिव केस की यह सर्वाधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक दिन में 1,023 मरीजों की मौत हुई है। देश में पॉजिटिव केस बढ़कर 7,25,991 हो गए हैं। कोरोना से अब तक 60,472 मरीजों की जान गई है। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के घर पहुंचा कोरोना, माता पिता की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना वायरस अब बाहुबली फेम एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के घर भी पहुंच गया है। तमन्ना के माता पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तमन्ना ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताया कि उनके पिता संतोष और मां रजनी में कोविड-19 के हल्के लक्षण थे। इसके बाद दोनों की जांच कराई तो दोनों पॉजिटिव मिले। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों समेत स्टाफ का कोरोना परीक्षण कराया गया, लेकिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुशांत के पिता का बड़ा आरोप, बेटे को जहर दे रही थी रिया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रिया उनके बेटे की हत्यारी है, वे लंबे समय से उसे जहर दे रही थी। रिया और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया जाए और सजा मिले। के सिंह ने रिया के खिलाफ पटना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। वहीं सुशांत की बहन श्वेता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में बताया है कि कैसे उनके भाई को प्रताड़ित किया गया। रिया ने खुद को बताया बेगुनाह, कहा मोडोफिल दवा लेते थे सुशांत। सुशांत की मौत के मामले में तमाम आरोपों का सामना कर रही रिया चक्रवर्ती ने पहली बार इस केस में चुप्पी तोड़ी है। रिया ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि जो बातें हो रही हैं उनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। रिया ने कहा कि वह सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थी। न्यूज चैनल आज तक से बातचीत में रिया ने कहा कि यूरोप के ट्रिप पर जब हम जा रहे थे तब सुशांत ने बताया था कि उन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, इसके लिए वो मोडाफिनिल दवा लेते थे। फ्लाइट से पहले भी उन्होंने ये दवा ली थी। सुशांत के पास ये दवा हर समय रहती थी। रिया के पिता ने मांगी पुलिस से सुरक्षा, कहा परेशान कर रहा है मीडिया। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। जब वे शौविक को छोड़कर गेस्ट हाउस से निकल रहे थे तब मीडिया ने उन्हें फॉलो किया। इंद्रजीत ने आरोप लगाया कि मीडिया उन्हें और उनकी फैमिली को परेशान कर रहा है। दूसरी ओर रिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया जिसमें उनके पिता इंद्रजीत को मीडिया ने घेर रखा है। रिया ने भी मुंबई पुलिस से अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। वहीं सीबीआई टीम ने रजत मेवाती, नीरज सिंह, शौविक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के बाद केशव बचने से भी पूछताछ की। जेईई नीट पर 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। देश और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मेन और नीट में यदि और देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। शिक्षाविदों ने कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में डीयू, इग्नू, लखनऊ विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू, आईआईटी दिल्ली, लंदन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलम आदि के भारतीय शिक्षाविद शामिल हैं। इसराइल से 2 फाल्कन अवॉक्स खरीदेगा भारत, चीन पाकिस्तान पर होगी नजर। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच भारत जल्द ही 2 फाल्कन अवॉक्स खरीदने जा रहा है। इनकी मदद से दुश्मनों पर पैनी नजर रखी जा सकती है। इस डील की कीमत को लेकर भारत और इसराइल के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। फाल्कन अवॉक्स को रूसी इल्यूजन 76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा। भारतीय वायुसेना पहले से ही 3 फाल्कन अवॉक्स को ऑपरेट करती है। नए अवॉक्स पहले की तुलना में अधिक ताकतवर होगा। विराट अनुष्का के घर आने वाला है नया मेहमान, कोहली ने दी जानकारी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट कर फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है। विराट ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ एक तस्वीर पोस्ट की जिसके साथ लिखा है तब हम 3 होंगे। आने वाला है जनवरी 2021 में। विराट के इस ट्वीट से साफ है कि उनके घर नया मेहमान आने वाला है। विराट ने इसकी तारीख भी बता दी है। इस खबर के सामने आते ही ट्विटर पर दोनों को ढेरों बधाई संदेश मिल रहे हैं। विराट अगले महीने से शुरू होने वाले आईपीएल के लिए इस समय यूएई में है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।